देखिए मैम, सदियों से हमारी परंपरा रही है कि भारत के शासकों ने और भारतीयों ने दुनिया को लीड किया। समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा सात समुद्र का पानी पीता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण देखिए, और ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं। दुर्भाग्य से जो काम आज़ादी के समय नेहरू जी को करना चाहिए था या 70 सालों में करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं उदाहरण दूंगा, नेहरू जी ने रिलेशन इतने गलत बनाए चाइना से बनाए, और चाइना ने ही अटैक करके हमारी जमीन हड़प ली। नेहरू से लेके अभी तक विपक्ष का एटीट्यूड ये है कि उनके लिए दुनिया केवल पाकिस्तान में है। 70 साल से चिल्लाते रहे कि पाकिस्तान से संबंध बढ़िया बनाओ, अमन की आशा, ये चले वो चले, ये सारी चीजें होती रहे। पहली बार सही रास्ते पे विदेश नीति को निर्धारित किया गया है। आप एक उदाहरण देखिए कि राजीव गांधी जी क्रायोजेनिक इंजन के लिए पूरी दुनिया घूम आए, अमेरिका वगैरह सब जगह, और बड़ी बुरी तरीके से धुतकार दिया गया था। ये लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस ये लाई वो लाई, एक दो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए, आज भारत का जो सम्मान है, अमेरिका भी रूस के खिलाफ है, सबके अपने अपने फिलॉसफी हैं, लेकिन भारत ने इस तरीके से ग्लोबल नीति को साधा है कि पूरा रूस अमेरिका ब्रिटेन विरोध कर रहा था कि आप रशिया से तेल मत लीजिए, लेकिन दबंगई के साथ भारत ने अपनी ग्लोबल नेतृत्व की क्षमता को दिखाया और तेल भी लेते रहे और इधर से संबंध भी नहीं हुआ। जयशंकर जी का स्टेटमेंट सबको याद होगा, ये होता है वैश्विक रणनीति बनाना, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडरशिप स्टाइल। तो भारत को यह है कि हमें युद्ध नहीं करना है, युद्ध का हम फेवर नहीं करते। ऑस्ट्रिया की अगर बात रही तो कुछ ऐसे जगह जो है तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण, लेकिन कांग्रेस का फोकस या तो वही गुलाम अंग्रेजों तक था या पाकिस्तान तक था भाईचारा बनाने के लिए। इन लोगों ने कभी फोकस नहीं किया यूरोपीय कंट्री पे। हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार साफ कर दिया है, रूस को ये संदेश दिया है और ये बकायदा उनकी तरफ से अब कहा गया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, रास्ता जो है वो बातचीत का होना चाहिए और बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का